everyone, welcome to this video. In today's video, we will learn the trigonometric table. So let's get started. अपन को पता है तीन छह trigonometric functions में sine, cos, tan, cosecant, secant ते cot. तो हमने को angles के लिए ने पांच 0, 30, 45, 60 ते 90. जो angles को pi form दे विच लिखना है तो किस तरह लिख सकते हैं 0 ना 0 ही लिखेंगे. 30 can be written as pi by 6. ठीक है, pi जो है 180 के इक्वल होता है. तो जब आप 180 को 6 से इक्वल डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा. जब 4 ना डिवाइड करेंगे 45, 3 ना डिवाइड करेंगे 60 आ जाएगा. तो जब 180 को 2 ना डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा. तो इजीली अपन इस नु पाई के फॉर्म में लिख सकते हैं पांच एंगल्स नु. अपन पता है भी 180 के इक्वल होता है पाई. तो sin थीटा वाली रो थोनो याद करनी पड़ेगी, बाकी टेबल ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. ठीक है, 0 1 / 2 1 / √2 √3 / 2 1 इतना याद कर लो. cos थीटा के बीच क्या करना है कि ए रो नो पुट्ठा चला देना है. ठीक है, इथे 1 आगे आ जाएगा, 1 तो बाद √3 / 2 फिर 1 / √2 1 / 2 तो फिर 0 आ जाएगा. ठीक है, tan क्या होता है? tan होता है अपना sin डिवाइडेड बाय cos. अपन को पता है अपने को sin थीटा होता है p / h यानी कि परपेंडिकुलर / हाइपोटेन्यूज. cos थीटा होता है b / h दैट इज बेस / हाइपोटेन्यूज. ठीक है, हुन अपन को पता है कि tan थीटा क्या होता है p / b. तो जब अपन sin ते cos को डिवाइड करेंगे तो h ना h कैंसिल हो जाएगा, की बचेगा p / b. मतलब sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा. तो इथे भी अपन ओदा ही करेंगे, sin को डिवाइड कर देंगे cos के साथ. ठीक है, 0 नु 1 ना डिवाइड करें 0 आ जाएगा. 1.2 डिवाइडेड बाय √3 / 2, 2 ना 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा 1 √3. 1 √2 डिवाइडेड बाय 1 √2, √2 ना √2 कैंसिल, 1 आ जाएगा. √3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड ते 1 / 2, 2 ना 2 कैंसिल, √3 आ गया. 1 डिवाइडेड बाय 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड. ओके, कोसेकेंट के बीच क्या करना है अपन ने, वी नो दैट कोसेकेंट किदो रेसिप्रोकल होता है sin थीटा का. तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1.2 का उल्टा 2, 1.√2 का रेसिप्रोकल √2, √3 / 2 का रेसिप्रोकल 2 √3. तो 1 का रेसिप्रोकल 1 आ गया. ओके, secant थीटा की का रेसिप्रोकल होता है cos थीटा का. तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 / 2 का 2 √3, 1 √2 का √2, 1 / 2 का 2 आ जाएगा. तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड. ओके, हुन cot थीटा की का रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का. ठीक है, बेसिक चीज तो थोनू पता ही होएगी कि sin का रेसिप्रोकल होता है अपने को cosecant. ठीक है, cos का होता है अपने को secant, ते अपने को tan का रेसिप्रोकल होता है cot. ओके, हुन अपन tan का रेसिप्रोकल करेंगे, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है. 1 / √3 का √3 बन जाएगा, 1 का 1 ही रह जाएगा, √3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 / √3, क्योंकि इसका मतलब इतना है जब आप अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 / √3 आ जाएगा. हां, हुन जिवें अपन को पता है कि 0 का रेसिप्रोकल अपन नॉट डिफाइंड लिखा है, तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल अपन 0 लिखेंगे. ठीक है, हुन तुसी देख सकदे हो कि ए सिंपल जी ट्रिक नाल सिर्फ एक रो याद करन दे नाल थोनू पूरा जड़ा टेबल है ये मेमोराइज हो जाएगा. तुसी इनो एक दो बार ड्रॉ करके देखो, रिवाइज करके देखो, ते देन यू विल बी रेडी टू सॉल्व द क्वेश्चंस जिदे विच सारे वैल्यूज नु पुट करके अपन ने आंसर कटने ने. तो मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड कीप शोइंग योर लव. बाय बाय.